अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और मैं आज क्या बना रही हूँ, गर्मियों के दिन अब शुरू होने वाले हैं, माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा है कि अच्छी सी आप लोगों के लिए जो है ना रेसिपी बनाई जाए। वो क्या है, शिकवंजी बनाएंगे हम, बहुत मज़ेदार। ठीक है जी, शिकवंजी तो मेरे ख्याल में सभी बनाते होंगे, सब जानते होंगे, लेकिन मैं किन चीज़ों से शिकवंजी बनाऊंगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, और गर्मियों में तो हर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि रोजे रखते हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि जो काम वाले बंदे होते हैं वो भी रोजे रखते हैं, और जो घर पे भी होती हैं औरतें हैं, मर्द हजरात, वो भी रोजे रखते हैं, तो ब्लड प्रेशर हमारा हो जाता है लो। ठीक है, तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों के लिए फायदेमंद भी हो और गर्मी भी इससे थोड़ी सी दूर हो जाए। ठीक है, और रोजा भी जो है हमें ज्यादा ना लगे। ठीक है ना, तो बस अफ्तार में भी आप ये बना सकते हैं, आप सहरी में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वैसे ही भी आप जो पी सकते हैं। अगर अगर आपको लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो फिर आप ये जो है ना ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, शिकवंजी बनाऊंगी, किन चीज़ों से बनाऊंगी ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ कि शिकवंजी मैं किन चीज़ों से बनाती हूँ। ठीक है, हमने ले लिया एक अदद गिलास। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो जी क्या क्या लिया मैंने, एक अदद गिलास ले लिया, साथ में हम लेंगे पानी। ठीक है, जितनी भी शिकंजी बना लिया आपने, ठीक है ना, और ये है जी नींबू, और साथ में है जी काला नमक। काला नमक जो ना बहुत अच्छा होता है, अपने घर में जरूर रखा करें, गर्मियों के लिए जो ना फायदेमंद है। सलाद बनाएं उसमें आप ऐड कर सकते हैं, दाल बनाएं उसमें ऐड कर सकते हैं, शिकवंजी बनाएं उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ये बहुत अच्छा है काला नमक। तो ये जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में मैं लूंगी चीनी। ठीक है, चीनी लेंगे हम, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं इसमें जो ना शिकवंजी जिस तरह मैं बनाती हूँ ना घर में, ये बहुत अच्छी होती है, और गर्मियों के लिए तो जितनी अच्छी है ना ये मैं आपको बता नहीं सकती। और ब्लड प्रेशर जिसका लो रहता है, हर वक्त गिरा रहता है, उसको तो चाहिए कि जग भर के जो ना वो फ्रिज फ्रिज में रख दें, डी में रखिएगा क्योंकि बर्फ जम जाएगी, नीचे रखिएगा तो ये ठंडा ठंडा करके ना आप फौरन बना के रख दीजिएगा, और जब भी आपको ब्लड प्रेशर लो हो फटाफट आपने पीना। और अगर रोजाना पी रही है तो रोजाना पिए, क्योंकि ये फायदेमंद है, इसका कोई भी नुकसान नहीं। ठीक है जी, तो ये पानी हमने ऐड किया इसके अंदर, और एक पूरा नींबू लिया हमने। पूरा नींबू डालिएगा इसमें, थोड़ा सा भी, आधा नहीं पूरा, क्योंकि आप लोगों का अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है, और क्योंकि मेरा भी लो रहता है तो मैं भी ये करती हूँ रमजानों में खास तौर पे। तो शिकंजी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, मैं अफ्तार में भी बनाती हूँ ये, और जो ना सहरी में भी कभी कभी बना लेती हूँ, क्योंकि रोजे जो ना माशाल्लाह से हमारे पूरे जाते हैं, रोजे कोई भी नहीं छोड़ता बच्चे, और यही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों से पूरा नींबू आपने ले लेना है। और ये देखिए ये जग है ना, ये जग पूरा अपने इसमें हम ऐड कर लेंगे इसको, ये तो मैं आपको दिखा रही थी। और इसमें हमें क्या करना है, ये एक चम्मच भर के, ठीक है, जितना अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा लो है तो नमक ज्यादा इस्तेमाल करें, अगर हाई है तो छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल भी नमक आप लोगों ने यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे चम्मच चीनी है, एक दो तीन चार, बस। अब इससे हमने अच्छी तरह से इसको घोल लेना। जब तक के चीनी जो ना पूरी तरीके से घुल ना जाए, आपने इसको जो ना इस तरह से बना के आपने फ्रिज में रख देना है। ठीक है, फिर ये ठंडी हो जाएगी, अफ्तार से पहले पहले आपने 1 घंटा पहले आपने बना के रख देना है, और अफ्तार में आप ये पियेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि कितनी ताजगी आपको मिलेगी, और एनर्जी तो आपकी जो है ना वो बरकरार रहेगी बहुत अच्छी। ठीक है, और देखो शिकवंजी मैं किस तरह से बनाती हूँ, किस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और फ्रिज में रख देना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए मैंने बनाई शिकवंजी आज आपके सामने, कितनी अच्छी बनी है, और ठंडे ठंडे जो ना आप आराम से अफ्तार में सहरी में और बनाएं और पिए। आजकल गर्मियां होने वाली हैं, और बस एक शुरुआत ही है, आजकल में गर्मी शुरू हो जाएगी, और जो ना रजब का महीना है, और
और रोजे भी रख रहे हैं हर कोई, तो ज़रूर आप जो ना ये शिकंजी बनाइएगा और पीजिएगा, मुझे जो हमें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो वो यकीनन मैं अपनी वीडियो में जो ना आप लोगों को बताऊँगी। और फिर हम क्या बना रहे हैं कल, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हम मिल लेते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, ठीक है जी, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह।